प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी शुक्रवार को प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पहुंचे और आम व्यक्ति की तरह अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के पश्चात परिवहन कार्यालय का निरीक्षण भी किया और विभाग की ओर से लाइसेंस नवीनीकरण के साथ ही नए लाइसेंस बनाने को लेकर की जा रही गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। देखिए, आज परिवहन विभाग के कार्यालय में चूंकि मेरा खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको रिन्यू करवाना था, तो उसके लिए भी मैं उसकी प्रक्रिया को भी पूरा परिवहन विभाग के जो लाइसेंस शाखा है उसमें जाकर के पूरा किया है। और उसके साथ साथ आज बीकानेर में नए लाइसेंस बनाने से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक की जो परिवहन विभाग की जो कार्य किए जाते हैं उनको पूरा मैंने बहुत ही बारीकी से समझा है। और हमारे जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर जी को मैंने ये कहा भी है कि बीकानेर इस कार्यालय में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, तो आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल हो या जल्दी से जल्दी हो और लाइसेंस की प्रक्रिया भी ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण करते हुए, हालांकि बहुत अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है यहाँ और पूरा ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम है, निश्चित रूप से लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस बनाने से लेकर के पूरा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। बहुत सैकड़ों लाइसेंस यहाँ रोज़ाना बनते हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का काम है या जो दूसरे कार्य जो आम आदमी को रोज़ाना इस कार्यालय से पड़ते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की जिस प्रकार से मंशा है कि तमाम सरकारी कार्यालयों में आने वाली पब्लिक के काम जल्दी से जल्दी हो और उनके कामों का निस्तारण भी समय पर हो, इस दिशा में हमारा परिवहन विभाग का ये कार्यालय भी काम कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।